काफ़ी मतलब ओके ओके सा एक्सपीरियंस था टू बी ऑनेस्ट। पोलैंड में एक चीज़ होती है कि यहाँ पे निकनेम बहुत कॉमन है, तो लोगों के नाम निकनेम बहुत लंबे होते हैं, निकनेम कल्चर बहुत ज़्यादा है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू हांगकॉन्ग। सो जी हमें पता चला है कि हांगकॉन्ग में अभी टेम्परेचर है 14 डिग्रीज। पूरा का पूरा एक ट्रेन है जो मेरे लेफ्ट में एरिया बनाई, यहाँ पे पूरी एक ट्रेन आती है जो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ लेके जाती है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। माय नेम इज प्रतीक एंड आई एम वंशी। सो जी फाइनली द टाइम इज हेयर दैट वी आर ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री। हमारे पास थोड़े और भी ऑप्शंस थे तो हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन से ऑप्शन को पिक करना है। सो वी हैव फाइनली डिसाइडेड एंड टुडे इज द डे दैट वी आर ट्रैवलिंग। सो हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू हांगकॉन्ग। राइट नाउ वी आर इन बैंकॉक, वी आर एट डॉन वांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई साहब सुबह के बज रहे हैं 4, इमिग्रेशन सिक्योरिटी बोर्डिंग पास सब करा लिया है। सो हमारी फ़्लाइट जो है वो सुबह 6 बजे की है जो यहाँ से निकलेगी एंड ये पहुँचेगी हांगकॉन्ग अराउंड सुबह 9:15। सो वी हैव टेकन एयर एशिया फ़्लाइट एंड डायरेक्ट फ्लाइट है। तो इसी चक्कर में हमें घर से निकलना पड़ा 2 बजे बिकॉज अपेरेंटली आज है 8th of February एंड चाइनीज़ न्यू ईयर है 10th of February को। तो उस चक्कर में हमें पहले ही मैसेज आ गया था कि भाई 4 घंटे पहले आओ बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। सब यू नो इस टाइम पे चाइना जाते हैं फॉर चाइनीज़ न्यू ईयर, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। सो होपफुली वी विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ दैट, बट उससे भी ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो वी डिडंट वांट टू बी लेट, तो इसलिए हम लोग काफ़ी पहले आ गए और हमारी आंखों से आप बता सकते हैं कि हम सोए नहीं हैं। नहीं सोए हैं, मतलब हम लोग आधा घंटा सोए हैं, वो भी रेडी वेडी होके आराम से। आई टुक अ शावर एंड देन आई स्लेप्ट फॉर 30 मिनट्स लाइक क्विक पावर नैप, बट नॉनदलेस वी आर सो एक्साइटेड दैट वी आर फाइनली ट्रैवलिंग। ये मेरा है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है, ये तुम्हारा लग रहा है क्योंकि टूना इज चिल्ड। ओके, सो आपने क्या मंगाया था? ग्रिल चिकपी। सो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं मैं बोलूँगा इधर डॉनवांग एयरपोर्ट पे खाने के लिए, बिकॉज आप वहाँ पे देखोगे उधर बेकरी है, एक बेकरी कॉफ़ी थाई रेस्टोरेंट, और ये एक रेस्टोरेंट बंद है, उसके साइड में ही स्टारबक्स भी है। यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने फूड कोर्ट बना रखा है जिसमें आपका मैकडोनल्ड्स भी है, और बाकी ये ज़्यादातर ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं तो प्रॉब्ली इस कारण बहुत सारे नहीं खुले हुए। यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है पेरी पेरी करके, फ्लेमिंग चिकन, हमने यहाँ से भी ट्राई किया था एक बार, बट आई डोंट नो हमने लास्ट टाइम कब खाया था। जब हम कंबोडिया गए थे तब हम वहाँ पेरी पेरी से खाया था, याद है आपको? खाया कैसा है दोस्त? कैसे का सो जरूस ऑफ हिज मील, क्यों क्या मंगा? अच्छा, आज इंसान हेल्दी खा रहा है और दूसरों की प्लेट को जज कर रहा है। उन्होंने मील मंगाया तो ये मील को देख के इसका मन कर रहा है, खा ले यार कोई दिक्कत नहीं, ले आऊँ खा ले। वैसे भी अब इन्जॉय होने वाला है आपका कुछ आने वाले दिनों में। तो हम लोग ये खाने के बाद मुझे 100% पता है मैकडॉनल्ड्स जाने वाले हैं। पोलैंड में एक चीज़ होती है कि यहाँ पे निकनेम बहुत कॉमन है, तो लोगों के नाम निकनेम बहुत लंबे होते हैं, निकनेम कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोगों के नाम बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। तो इस चक्कर में हर इंसान के एक बड़े फ़नी और बड़े मतलब क्यूट वियर्ड यू कैन से निकनेम्स होते हैं। जैसे 5 एग्जांपल हो निकनेम्स के जो आपने सुने हैं। ओ बर्ड, बलून, नुत, आइस, नॉन्ग, आइस, स्नो, स्नो के पी फोर केक, बैंक बैंक। या तो यहाँ मेरे पीछे आप देखोगे, आई थिंक आई फाउंड द बेस्ट प्लेस टू सेट। अगर आप एविएशन गीक हो तो आप समझ सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जी हम लोग फाइनली जा रहे हैं टूवर्ड्स आर बोर्डिंग गेट, टूवर्ड्स वॉशरूम। वॉशरूम ब्रेक भी ले लेंगे, बट अभी तो खैर अभी जा रहे हैं हम टूवर्ड्स आर बोर्डिंग गेट विच इज़ 15, गेट नंबर 15 एंड अभी आते हैं, 20-25 मिनट बचे हैं बोर्डिंग को। तो हमने सोचा कि वहीं जाते हैं बोर्डिंग गेट पर, थोड़ी देर बैठते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं एक बार हांगकॉन्ग आने का, आपके साथ शेयर करते हैं। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू हांगकॉन्ग बिकॉज इट्स ऑलरेडी ओपन फॉर इंडियन टूरिस्ट, और बहुत ही सही प्रोसेस लगता है मुझे, रीज़न बीइंग इट इज़ वीज़ा फ्री। तो फ्लाइट डिटेल्स और सारे मतलब बैकग्राउंड आपको वहीं पर चल के देते हैं अपने गेट के पास। तो जी जाने से पहले हमने सोचा कि अपना रिफिल कर लिया जाए, निकालो यहाँ से ये वाला है। तो जी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से हमने ये ऑप्शन चूज़ किया, पानी बुझाए प्यास बाकी सब बकवास। अरे वाह, ये हमें पता चला है कि हांगकॉन्ग में अभी टेम्परेचर है 14 डिग्रीज़ तो, और बैंकॉक में है राइट नाउ 29 डिग्रीज़।
तो देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठंड है कि नहीं। और सुबह सुबह एयरपोर्ट आने का यही मज़ा लगता है भाई, लोग ना कहीं पे भी सो रहे होते हैं, चेयर मिल जाती है आराम से एकदम, as long as there is a chair, couple of chairs together, आराम से। आप बताना कमेंट करके अगर आप किसी एयरपोर्ट पे सोए हो काफ़ी देर, कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू हांगकॉन्ग तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनिशियली। सो हम तो खैर अभी बैंकॉक से फ़्लाई कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स, स्पेशली अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो गई हैं इंडिगो विस्तारा की, ऑलमोस्ट 5 hours की हैं, एंड अगर आपने सही टाइम पर बुक करी तो आपको रिटर्न फ़्लाइट ऑलमोस्ट 15,000 से 16,000 रुपये में मिल जाएगी, विच इज़ अ वेरी गुड डील। एंड फ़्लाइट्स तो खैर आप अपने हिसाब से देख सकते हो जो भी आपको वेबसाइट सही लगती है। उसके अलावा स्पेशली वीज़ा फ्री है 14 डेज के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड उसके लिए आपको एक PAR करके फॉर्म होता है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो फिल करना होता है, एंड बहुत ही मतलब इंस्टेंटली वो आपके, जैसे ही आप फिल करोगे वो इंस्टेंटली आपके पास PDF आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे इमिग्रेशन पे दिखाना होता है। साथ में जब आप बोर्डिंग काउंटर पे होगे तो आपकी होटल बुकिंग, रिटर्न फ़्लाइट या फिर एग्जिटिंग फ़्लाइट इफ़ यू आर एग्जिटिंग टू एनी अदर थर्ड कंट्री उसकी फ़्लाइट, और साथ में PAR चाहिए होता है, 14 डेज के लिए वैलिड होता है वो। डजेंट मैटर कि आप 3 दिन स्टे कर रहे हो 4 दिन स्टे कर रहे हो, आपको एंट्री परमिट 14 दिन का मिलेगा हांगकॉन्ग में। अगर आपका स्टे 14 दिन से ज़्यादा का है तो उस केस में आपको अलग से फिर खैर वीज़ा लगवाना पड़ेगा, क्योंकि एक सेपरेट ही सिनेरियो है। बट आई डोंट थिंक हांगकॉन्ग को ये 14 दिन से ज़्यादा के लिए आएगा, इफ़ दे आर द टूरिस्ट। या ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज 3 से 4 दिन आई थिंक हांगकॉन्ग के लिए काफ़ी है। साथ में आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन है, लाइक यू कैन गो टू मकाओ, यू कैन गो टू डिज्नीलैंड। मुँह ऐसे सोचते ना ऐसे जीभ लफलफा आ जाती है। बट हाँ मतलब आई थिंक हांगकॉन्ग इटसेल्फ के लिए 3 दिन इनफ है, एंड एडिशनल यू कैन कीप 1 more day फॉर मकाओ। उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि और कुछ है, बट जितना हम लोग देख पाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे इन दी अपकमिंग वीडियोस। तो जी फाइनली वी आर इन हांगकॉन्ग, इन द चिल्ड हांगकॉन्ग। यार इतना ज़बरदस्त, मतलब जो मैंने पहाड़ देखे हैं, खैर मुझे तो पता था कि पहाड़ी इलाके में पूरा का पूरा हांगकॉन्ग जो है वो बसा हुआ है, बट जैसे हम लैंड किए और जो इतने ज़बरदस्त नज़ारे दिख रहे थे ना हमें चारों तरफ, एक्चुअली अभी बारिश जैसा मौसम हो रखा है, इस चक्कर में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 14 degrees राइट नाउ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी इज़। और बाहर की तरफ बहुत ही सही, मतलब पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर ऐसे पूरा क्लाउडी हो रखा है, ब्यूटीफुल। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इमिग्रेशन, एंड सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन जाने के लिए भी रास्ता है ना, वो रास्ते को मतलब आपको बीच में एक ट्रेन लेनी होती है, मैंने लोगों के ब्लॉग में देखा है ऐसा, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। पूरा का पूरा एक ट्रेन है जो मेरे लेफ्ट में एरिया बनाई, यहाँ पे पूरी एक ट्रेन आती है जो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ लेके जाती है, सो दिस इज़ सच अ कूल थिंग। और सामने आप देखो बड़ा सुंदर सा एक आर्ट वर्क लगा रखा है, बट आई थिंक ये ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, इससे पहले मैंने स्विट्ज़रलैंड में देखा था एट ज्यूरिख एयरपोर्ट, सो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक। जी फाइनली हम लोग आफ्टर 2 स्टेशन वी हैव रीच द इमिग्रेशन साइड, यहाँ पे इमिग्रेशन कराएंगे और जैसा भी रहता है फिर आपके साथ शेयर करते हैं बाकी अपना पूरा एक्सपीरियंस। मुझे बस ये है कि यार बाहर ठंड ज़्यादा ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड थोड़ी बहुत ठंड तो होने वाली है, बाकी बाहर जाके पता चलेगा। सो यू हैव टू फिल योर अराइवल कार्ड, जो उसमें था मैंने एक बस एक सेक्शन भरा है, आपको और भी भरना है।
तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक अराइवल कार्ड मिलता है जो आपको भरना होता है. हम ऑलरेडी थोड़ा सा फ्लाइट में भर के आए हैं, हाफ इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे फिल करेंगे. यहाँ पे आपके पास प्रॉपर ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं, ये फिल कराने के बाद देन विल हेड टूवर्ड्स इमिग्रेशन. वैसे अभी खास कोई भीड़ तो नहीं लग रही है हमें जितना हमने एंटिसिपेट किया था, रीज़न बीइंग चाइनीज़ न्यू ईयर. तो जैसे ही सब इमिग्रेशन वगैरह होता है फिर आपको बाहर मिलते हैं, एंड देन विल ट्राई टू सी जो हमारा आज का आइटनरी है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. जी फटाफट मैं आपको बता दूं हमारा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो हमसे ऑनेस्टली जीरो क्वेश्चन आस्क्ड. हमसे कजाकिस्तान में भी ऐसा ही था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था. प्रोबेबली बिकॉज हमने थोड़ा सा प्रीवियस ट्रैवल किया हुआ है तो वो भी काफ़ी मैटर करता है बंदे यू नो स्टार्ट फ्लिपिंग अराउंड योर पासपोर्ट पेजेस. बाकी ओवरऑल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी थे, मैंने उनको बिना सब कुछ पहले ही दे दिया था, विच इंक्लूडेड माई PAR प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड होटल बुकिंग एंड रिटर्न फ्लाइट. तो मैंने सारी चीज़ें उन्हें पहले दी और उन्होंने फिर जो PAR था उसको वेरीफाई किया सिस्टम में, एंड ही आस्क्ड मी टू साइन समवेयर. वो PAR में मैंने साइन करना भूल गया था तो साइन करा, एंड देन दे गेव अ स्टिकर विच इज़ नॉट पेस्टेड, देर इज़ नो स्टैम्प ऑन माई पासपोर्ट, नथिंग. एक छोटा सा स्टिकर टाइप दिया है जो मैंने पासपोर्ट में रखा है और बस दैट्स इट. हार्डली टुक मी लाइक 5 मिनट्स एंड सेम विथ हिमांशी. बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था. सो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप आ रहे हो देन मेक श्योर दैट यू कैरी योर PAR विच इज़ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म. एंड सेकेंड थिंग इज़ योर होटल बुकिंग, इसको मत भूलना. थर्ड आइटम इज़ योर रिटर्न फ्लाइट, वो भी प्रिंट आउट होना चाहिए, ईजी रहता है. एंड बोर्डिंग पास एंड एक अराइवल कार्ड जो होता है जो आप यहाँ पे आते ही जैसे मैंने आपको दिखाया वो फिल करोगे, एंड देन वन दे विल कीप विद देमसेल्फ और एक आपको वापस वो लौटा देंगे. तो जी फाइनली स्वागत है आपका हांगकॉन्ग में. आर टुगेदर वी हैव दिस इज़ आर कंट्री नंबर 12. जी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप देखो पूरी चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है वो बढ़िया ढंग से हो रखी है. आप देखो यहाँ पे कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे. और लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल, उसमें आपको मैंने बताया था कि दिस इज़ द ईयर ऑफ द ड्रैगन, इसलिए आपको सारे डेकोरेशन जो है वो ड्रैगन के ही नज़र आएंगे. यहाँ पे भी वही हो रखा है, एंड दिस इज़ इन पर्सन लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल. फ्लावर्स लगा रखे हैं और ड्रैगन जो है पूरा फ्लावर से बनाया हुआ है. बाकी हम लोग अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से सेंटर पे जाएंगे या फिर हमारा जो आज का आइटनरी है टू विज़िट बिग बुद्धा, बिकॉज बिग बुद्धा जो है अपेरेंटली इट इज़ नियरर टू दी एयरपोर्ट. और यहाँ से अगर आपको सिटी सेंटर जाना है, हमने होटल लिया है हांगकॉन्ग आइलैंड पे विच इज़ नेक्स्ट टू कॉजवे बे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग एरिया है. वो तो खैर वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा हमें, बट अभी हम यहाँ से प्लान कर रहे हैं टू गो टू बिग बुद्धा. उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जैकेट निकाल लीजिए क्योंकि हांगकॉन्ग में ठंड है यार, अभी 14 डिग्रीज टेम्परेचर है तो अच्छी खासी ठंड हो रखी है. इस तो बेसिकली अभी ये गई थी यहाँ पे जो टिकट सिस्टम होता है वो एक कार्ड होता है विच इज़ कॉल्ड दी ऑक्टोपस कार्ड या टूरिस्ट ऑक्टोपस कार्ड. तो बेसिकली आपको हर जगह कैश से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कार्ड खरीद सकते हो which will have some balance in it. और ऑफ कोर्स आप टॉपअप भी कराते रह सकते हो, 7-Eleven से भी टॉपअप करा सकते हो. एंड वो कार्ड मोस्टली हर जगह चल जाता है, आपकी टैक्सी में, ट्रेन्स में, 7-Eleven में, रेस्टोरेंट्स में, हाँ बहुत जगह यूज़ हो जाता है. सो यू डोंट हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ कैश. तो वो आप आके यहाँ पे काउंटर से भी ले सकते हो, द काउंटर राइट बिहाइंड अस. बट अगर आप फ्लूक से लेते हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है. बट यार एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है यार. बहुत बड़ा है, देयर इज अ ह्यूज स्क्रीन देयर. मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट तो हम दोनों ने कभी नहीं देखा. इससे पहले हमने इतना बड़ा एयरपोर्ट देखा कहीं? दिस इज ह्यूज. लोग यहाँ पर ड्यूरियन खा रहे हैं. तो जी हमने फ्लूक से अपना टूरिस्ट ऑक्टोपस कार्ड ले लिया है, एंड उसके लिए हमने पे किया अराउंड 800 baht फॉर 2 people. लाइन वहाँ पे काफ़ी लंबी थी. सो जो आप क्लूक से लेते हो ना, उसके बाद आपको एक अलग से काउंटर है 813 करके नियर टर्मिनल 1, वहाँ पे जाना है. वहाँ पे जाके आपको अपना QR कोड उसमें जो मिलेगा यू हैव टू शो एंड देन दे गिव यू द कार्ड. चीज़ें हैं जो मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हांगकॉन्ग में ही बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा. सो अभी हम जैकेट निकाल रहे हैं, एंड टुडेज़ प्लान इज़ टू गो टू बिग बुद्धा विच इज़ नाम मैं भूल रहा हूँ बट बिग बुद्धा के नाम से है. तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और स्क्रीन पर आ ही रहा होगा. आधी रात से उठे हुए और अब लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख. हमने फाइनली अपना सारा काम करा लिया है तो हमने सोचा फटाफट आपको बता दें कि हमने क्या क्या ले लिया है ऑलरेडी और क्या क्या हम लोग सिटी सेंटर जाके लेंगे. तो एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली
आपके कन्वीनियंस के लिए क्लूक एक प्लेटफॉर्म है. हम लोग स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं क्लूक को, दिस इज़ टोटली अनस्पॉन्सर्ड, बट मेरे हिसाब से बहुत कन्वीनियंट है. दो मिनट में, लिटरली दो मिनट में मैंने बुकिंग करी, मेरे पास वाउचर आ गया, मैंने रिडीम करा लिया. एंड प्लस यू गेट डिस्काउंट्स एंड देर आर सम क्रेडिट्स दैट यू कैन ऑल्सो यूज़. तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे पड़ा हम दोनों का ऑक्टोपस कार्ड, जिसमें ऑफ कोर्स मुझे मिला सिर्फ 50 हॉन्गकॉन्ग डॉलर. उसको आप 7-Eleven से कभी भी जाकर टॉप अप करा सकते हो, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट. एंड देन वी वॉन्टेड टू गेट अ सिम, मैंने ई सिम ली है, उसका भी मैंने फ्लूक से वाउचर आ गया था एंड हमने हाथों हाथ उसको रिडीम कर लिया वेरी इजी विद इन 2 मिनट्स. करेंसी एक्सचेंज कराने का होगा विच वी हैव लेफ्ट फॉर सिटी सेंटर, हम लोग यहाँ पे नहीं करवाएंगे बिकॉज वी फील कि सिटी सेंटर में हमें रेट अच्छा मिलेगा. सर इन्होंने ये बहुत ही सही एक पूरा का पूरा आप देखोगे एक मेरे ख्याल से मल्टीपल स्क्रीन्स लगा के न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त. But Chinese this is lovely. This is lovely. But वो जो है वो बहुत interesting है. आओ दिखाती हूँ. तो बहुत ही ज़्यादा beautiful है. जी ये हमारा छोटा सा experience था of reaching Hong Kong जो हमने आपके साथ share किया. I hope you all liked it. अगर आप चैनल पे नए हो तो please make sure that you subscribe to our channel. जो भी हमारा experience था अभी तक of immigration. You know, boarding experience, flight experience, plus getting all the necessary information and the tourist card, जो कि बहुत important है. So, बाकी ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं. बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे. तो अगर आपको पूरा हमारा हांगकॉन्ग का आइटनरी जानना है, देखना है कि हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आया. एंड एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनीथिंग देन कमेंट डाउन. एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हर कमेंट को रिप्लाई करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट वन. यस, बाय बाय.